नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के क्रम में खनिजों की कठोरता। खनिजों की कठोरता और देखेंगे हमारी पृथ्वी की क्रस्ट में मिलने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे खनिजों की कठोरता। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इन्हीं खनिजों से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। लेकिन क्रस्ट में या यूँ कहें कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी खनिज पाए जाते हैं, कुछ कठोर हैं, कुछ मुलायम हैं, कुछ कम कठोर हैं, कुछ ज़्यादा मुलायम हैं इत्यादि। किसी मापक पर कठोरता मापी जाती है, इसको हम जानते हैं कि किससे मापा जाता है और किसकी कठोरता है, इसके बारे में जाना जाएगा। इसमें परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कठोरता से संबंधित, वो छोटे स्तर से बड़े स्तर तक के सभी परीक्षाओं। लगभग 1850 ईस्वी के आसपास वियना के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मोज। उन्होंने खनिजों की कठोरता के लिए 10 सूत्रीय मापनी तैयार की। उस मापनी को मोज मापनी कहा जाता है, या यूं कहें कि मोज कठोरता मापनी कहते हैं। उसी पर कठोरता की माप की गई और देखा गया कि कौन से खनिज ज्यादा कठोर हैं, कौन से मुलायम हैं, उनको आज देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है खनिजों की कठोरता, इधर खनिज लिखे हैं, फिर उसकी कठोरता लिखी है और उसका सामान्य परीक्षण करने पर इसकी कठोरता कितनी आती है वो लिखा है। खनिज का नाम, फिर उसकी कठोरता कितनी है, फिर सामान्य परीक्षण कैसे उसका परीक्षण किया जा सकता है। पहला खनिज है टेल्ट, इसकी कठोरता है 1 उंगली के नख से सरलता से खुर्चा जा सकता है। इसे उंगली के नख से सरलता से खुर्चा जा सकता है, इतना नरम होता है। दूसरा है जिप्सम, इसकी कठोरता होती है 2, इसे उंगली से खुर्चा जा सकता है। इसमें अंतर यह कि बहुत सरलता से खुर्चा जा सकता है और इसको थोड़ा हार्ड होता है, खुर्चा जा सकता है, इतना होता है। कैल्साइट, इसकी कठोरता है 3, ये इससे और थोड़ा कठोर होता है, इसे तांबे के सिक्के से खुर्चा जा सकता है। फ्लोराइड, इसकी कठोरता है 4, इसे इस्पात के चाकू से सरलता से खुर्चा जा सकता है। एपेटाइट, इसकी कठोरता 5 है, इसे इस्पात के चाकू से खुर्चा जा सकता है, इसे सरलता से लेकिन इसे यहां प्रयास करने पर खुर्च सकता है। फेंडस्पर, इसकी कठोरता 6 होती है, इसे इस्पात या कांच या चाकू से खुर्चा नहीं जा सकता, इतना कठोर होता है कि इसे इस्पात और इसके चाकू से खुर्चा नहीं जा सकता है। क्वार्टजाइट, इसकी कठोरता 7 है, यह इस्पात व कांच को भी खुर्च देता है, इसे तो चाकू से खुर्चा जाता था लेकिन यह जो क्वार्टजाइट है इसे या इस्पात और कांच को भी खुर्च देगा, इतना हार्ड होता है। टोपाज, इसकी कठोरता 8 होती है, या क्वार्टाइट को भी सरलता से खुर्च सकता है, यह इससे जो मजबूत है उससे थोड़ा कम मजबूत जो है क्रम में क्वार्टाइट को सरलता से खुर्च सकता है। कोरंडम, इसकी कठोरता 9 है, या टोपाज को सरलता से खुर्च सकता है। हीरा, इसकी सबसे अधिक कठोरता है, इतना कठोर है कि इसे खुर्चा नहीं जा सकता है, बहुत कठोर होता है।
तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक कठोरता किसकी है, या ऐसे पूछा जाएगा टोपाज, कोरंडा, नीला या क्वार्टाइट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें सबसे कम कठोरता किसकी है। इस क्रम में 8, 10, 9, 8 होता है, क्वार्टाइट की 7 रहती है, लेकिन सबसे कम पूछा जाएगा तो केल की 1 होती है। तो ये क्रम बैठाने के लिए भी एग्जाम में आ जाते हैं, सबसे कम, सबसे अधिक, या इस तरह दे दिया गया कि उन्हीं से पूछा जा सकता है कौन सा खनिज है, तो जिप्सम है, विकल्प दे दिया जिप्सम, क्वार्टाइट, टोपाज, हीरा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। अगले क्रम देखते हैं, क्रस्ट में मिलने वाले प्रमुख तत्व। क्रस्ट में हमारी पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी जिसे कहते हैं, पपड़ी में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन, यानी कि रक्त, इधर लिखा है प्रतिशत। अब तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाता है, 46.8%। दूसरे स्तर पर है सिलिका। सिलिका 27.72% है। एल्यूमिनियम, ये क्रस्ट में 8.13% है। लोहे का प्रतिशत 5 है। कैल्शियम का 3.63 है। सोडियम का 2.83 है। पोटेशियम 2.59 है। मैग्नीशियम 2.09% है। टोटल योग हुआ 98.79%। इसमें पूछे जाते हैं कि बताइए लोहे का क्रस्ट में कितना प्रतिशत है। लोहा 5% पाया जाता है हमारे क्रस्ट में। सबसे अधिक किसका प्रतिशत है? ऑक्सीजन 46%। एल्युमिनियम सिलिका ये क्रम में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको सीध में मिलाइए इत्यादि। ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।